वाड़ी डीपी दस्ते ने वाड़ी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर लावा चौक पर रेत का परिवहन करने वाले एक ट्रक को जब्त कर कड़ी कार्रवाई करने से रेती माफिया में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को पुलिस थाना क्षेत्र में 22 मार्च को लगभग 11 बजे वाड़ी पुलिस डीपी गश्त पर थी। पुलिस ने ट्रक क्रमांक MH40CD0597 रेत का परिवहन करते ट्रक को देखा। चालक सावनेर जिले के किरनापुर निवासी 32 वर्षीय सिद्धार्थ उमाजी सोमकुमार और क्लीनर आकाश महेंद्र गजबी उम्र 24 साल को वाड़ी पुलिस ने रोककर पूछताछ की। उनसे रॉयल्टी के बारे में कहा तो रॉयल्टी नहीं होने का बताया गया था। ट्रक और रेत के मालिक शुभम पांडुरंग सुपारी उम्र 32 साल निवासी नागपुर के खापा तहसील सावनेर जिला नागपुर का है। मालिक ने चालक आरोपी को माती घाट सोसर जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 32,410 किलोग्राम की रेत परिवहन करने को कहा था। ट्रक की कीमत 25 लाख व रेत की कीमत लगभग 25,000 रुपए है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि घाट से ट्रक वाड़ी लावा तक कैसे पहुंचा और रेत को यहां तक पहुंचाने के लिए कौन शामिल है। आरोपी के खिलाफ धारा 379 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी इनके मार्गदर्शन में पुहा सुनील मस्के कर रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी ने कहा कि आयुक्त और उपायुक्त के आदेश पर क्षेत्र के रेत की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध धंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस आयुक्त नागपुर शहर यांच्या निर्देशानुसार वाड़ी पुलिस स्टेशन मध्ये अवैध धंद्याविरुद्ध जी मोहीम चालू केलेली आहे त्याच्या अंतर्गत काल रोजी एक ट्रक MH40CD597 हा रेतीने भरलेला वाहतूक करताना मिळून आलेला आहे। सदरचा ट्रक हा माकणी घाट छिंदवाडा येथून नागपूर शहराकडे येत होता। त्याच्याकडे रॉयल्टीची विचारणा करता तो विनापरवाना चालत होता। त्याच्यामध्ये एकूण 32 टन रेती होती। सदरचे रेती व ट्रक असा 25,25,000 मुद्देमाल ताब्यात घेतलेला आहे। चालक सिद्धार्थ सोमकुवर व क्लीनर आकाश गजबी यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे ट्रक मालक शुभम सुपारे यांना सुद्धा आरोपी करण्यात आलेला आहे। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।